दोस्तों कई वर्षों से बहुजन समाज के लोगों से, खासतौर पर दलित समाज के लोगों से जो बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचारधाराओं पर चलते हैं, मैं उनके मुंह से सुनते आया हूं कि 21वीं सदी हमारी होगी, यानी 21वीं सदी अंबेडकरवादियों की होगी। तो मुझे लगता है कि वह सदी आ गई है और उन अंबेडकरवादियों की भी होने वाली है। मैं यह बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देश प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, आपको नीले गमछे वाले मिल जाएंगे, जय भीम बोलते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं, आज तो इन लोगों के लिए कमाल ही हो गया। दोस्तों आज संसद भवन में सांसदों का शपथ ग्रहण था। दोस्तों पूरा संसद भवन अंबेडकरमय हो गया था। दोस्तों भाजपाइयों को छोड़कर विपक्षी पार्टियों का कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जो बाबा साहब का नाम न लिया होगा, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो। जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। असुद्दीन ओवैसी हो या फिर स्वयं मोदी जी रहे हों, वैसे लगभग लगभग सभी लोगों ने बाबा साहब का नाम लिया। दोस्तों संसद भवन में जय भीम का नारा इतना गूंजा कि जय श्री राम बोलने वालों का पता था ही नहीं चला, और हर हर महादेव कहने वाले रवि किशन को तो पसीना टपक रहा था, टप टप टप। तो मैं बता दूं क्या संसद भवन में सांसदों का शपथ ग्रहण था। सभी सांसदों ने, चाहे वो नए हो चाहे पुराने रहे हो, सभी लोगों ने शपथ ग्रहण किया। लेकिन तमाम सांसदों के शपथ ग्रहण में 4 सांसदों का शपथ ग्रहण काफी देखने लायक था, काफी रोचक था। पहला प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों जब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेने गए तब बगल में बैठे राहुल गांधी जी, जो हाथ में संविधान लिए थे, वो संविधान उठाकर मोदी जी को दिखाते हैं। संविधान को देखकर मोदी जी शर्म से सर झुका लेते हैं। दरअसल यहाँ पे राहुल गांधी जी मोदी जी को चिढ़ाना चाहते थे कि देख लो, जिस संविधान को तुम बदलना चाहते थे उस संविधान की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरा असुद्दीन ओवैसी। दोस्तों असुद्दीन ओवैसी अपने शपथ ग्रहण के अंत में जय भीम जय मीम के साथ साथ जय फिलिस्तीन का भी नारा लगा दिया, जिसके बाद संसद में काफी हंगामा होने लगा। जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन। और तीसरा और चौथा दो ऐसे सांसद थे जिनके शपथ ग्रहण को देखने के लिए पूरा देश टकटकी लगाए बैठा था। जी हाँ दोस्तों, पहला नगीना से जीते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, और दूसरा अयोध्या से जीते हुए सपा के दलित नेता अवधेश प्रसाद। दोस्तों मैं पहले बात करूंगा चंद्रशेखर आजाद जी का। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जिस लुक में संसद में गए थे वो लुक तो देखता ही बनता था, क्या रौबदार मोच, कड़क तेवर। मैं चंद्रशेखर, नीला सूट बूट। दोस्तों उनका नीला सूट बूट देखकर रजनीकांत के एक फिल्म का डायलॉग याद आता है जिसमें वो कहते हैं, हम सूट बूट नहीं पहनेंगे तो और कौन पहनेगा, तुमसे भी कह रहा हूँ पर तुम मानोगे तब ना, ये भी हमारा विरोध दिखाने का तरीका है। गांधी जी ने कमीज त्याग दी और अम्बेडकर सूट बूट पहनते थे, इसके पीछे भी कई राज हैं, राजनीति। तो शायद बाबा साहब की वो सोच और रजनीकांत का वो डायलॉग आज के दलित समाज के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। दोस्तों अगर आज दलित समाज मोच रख ले तो कुछ सामंतवादियों को चुभने लगता है, दलित समाज यदि घोड़ी पर बैठ जाए तो उन्हें अपमानित महसूस होने लगता है, यदि दलित समाज अच्छा कपड़ा पहन ले तो उन्हें लगेगा कि ये तो हमारा विरोध कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद चंद्रशेखर जी सूट बूट पहनकर अपने विरोधियों को जलन ही पैदा करवा रहे थे। दूसरा मैं बात कर रहा हूं अयोध्या से जीते हुए सपा के दलित नेता अवधेश प्रसाद की। दोस्तों वैसे तो अयोध्या राम की नगरी है, लेकिन उसी राम की नगरी से जीत के आए सपा के दलित नेता अवधेश प्रसाद संसद में एक बार भी राम का नाम नहीं लिया, बल्कि अपने शपथ ग्रहण के बाद जय संविधान और जय भीम बोले, लेकिन जय श्री राम नहीं बोले। पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। हाँ लेकिन बात अलग है कि जब वो शपथ के लिए जा रहे थे तो कुछ भाजपाई जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, लेकिन वही बगल में बैठे विपक्षी नेताओं ने जय भीम का नारा इतना लगाया कि पता ही नहीं चला कि कोई जय श्री राम भी बोल रहा है। दोस्तों मैं जहां तक देख रहा था कि पूरा संसद जय भीम के नारों से गूंज रहा था, तो क्या अब आपको लगता है कि बहुत जल्द अंबेडकरवादियों की सरकार इस देश में आने वाली है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।